नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनके हाथों में। तो सबसे पहले बात करेंगे शेप ऑफ द हैंड की। देखिए, रेक्टेंगुलर शेप का हाथ दिखाई दे रहा है। उस वजह से क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा डे ड्रीमर होते हैं, मतलब ज़्यादा सोचेंगे, कुर्ति उनसे कम होगी। दूसरों के मुकाबले में ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत तो ये कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा मेहनत लोगों की तुलना में ऐसे व्यक्ति को करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत उतनी कारगर साबित नहीं होती। कभी ऐसे व्यक्ति को उतना लक उसके हिसाब से नहीं मिल पाता। ज़्यादा सोचेंगे, कम कुर्ती होगी। ऐसे इनके चंद्र पर्वत से भी दिखाई दे रहा है। चंद्र पर्वत ओवर डेवलप हो गया है। गुरु पर्वत, ये जो गुरु का स्थान है, ये थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा नीच हो गया है। तो उस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं, कुर्ति कम होती है। उसके बारे में हम डिटेल में जब उस पर्वत के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उंगलियां देखिए, मीडियम थिकनेस और मीडियम लंबाई की उंगलियां हैं, जो अच्छी मानी जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए और इम्यूनिटी पावर के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए, इस तरह से सारी उंगलियां अंदर की तरफ झुक रही है। इस तरह से अंदर की तरफ सारी उंगलियों का झुकाव मिडल फिंगर की तरफ हो, तो ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि इंट्रोवर्ट होते हैं। ज़्यादा दोस्त होना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं होता, मतलब वो नेचर ही किसी व्यक्ति का होता है। काम के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति समर्पण, मैं भला, मेरा परिवार, मेरा काम भला, इस तरह से ज़्यादा उलझनों में जाना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं आता। सिंपल लाइफ जीना ऐसे व्यक्ति को पसंद आता है, फैमिली के साथ। बहुत बड़ी आकांक्षाएं ऐसे व्यक्ति के नहीं होती, और बस नॉर्मल से जीवन जीना, जो भी अपने कर्म में है वो सारी चीज़ें एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें इनके हाथों में दिखाई दे रही है। उसके बाद लेकिन देखिए, ये है गुरु पर्वत की तर्जनी उंगली। वो मध्यम उंगली की तरफ झुकने की वजह से थोड़ा व्यक्ति के जीवन में बैड इफेक्ट आ जाता है। उससे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा, जितना ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, मतलब 100% किसी चीज़ में डालेंगे, तो उनको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। वो 30-40% ही ज़्यादा मिलता है। जितना, मतलब ज़्यादा एफर्ट डालेंगे फिर भी रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं होता। ये रिलेशनशिप के मामले में भी सच होता है। मतलब किसी दोस्त के प्रति इन्होंने ज़्यादा समर्पण दिखाया, ज़्यादा उनको मदद की, कुछ किया, लेकिन उनको रिटर्न में उतनी अच्छी वाहवाही या फिर उनसे धोखा मिल जाता है। अगर ये उस चीज़ के लिए कोई इनकी चीज़ जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए अगर ये कुछ उपाय करने की कोशिश करें, वो भी कारगर नहीं होता अगर गुरु का उपाय पहले वो ना करे। तो इस तरह से इनके हाथ में हमें योग बनते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये है गुरुस्थान। गुरुस्थान मीडियम थिकनेस का है, बहुत दबा हुआ नहीं, बहुत उभरा हुआ भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति देखिए आध्यात्मिक होते हैं, भगवान पे विश्वास रखने वाले होते हैं, स्ट्रेट जीवन जीने वाले होते हैं कि हम सीधा जीवन जिएंगे, सीधे तरीके से धन कमाएंगे। धर्म का ज्ञान होता है, नॉलेज, सोसाइटी के, पूरे सोसाइटी का नॉलेज ऐसे व्यक्ति को होता है, और फिलोसॉफिकल होते हैं। बात करने जाओ तो अच्छी तरह से बात करेंगे, कोई बड़ी बुरी आदत वगैरह नहीं। परिवार के प्रति समर्पण ऐसे व्यक्ति का रहता है, हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसे व्यक्ति का रहता है। क्रॉस का चिन्ह इनके हाथों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है, तो दूसरों को ये समझा भी अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छे गुरु, अच्छे शिक्षक ऐसे व्यक्ति होते हैं, तो ये इनके हाथों से योग बनता नज़र आ रहा है। खड़ी रेखा इनके हाथों में ट्रायंगल बन रहा है, तो अच्छे परिवार से जन्म, बचपन से ही एक आज्ञाकारी कह सकते हैं, या फिर एक नोबल पर्सन ऐसे व्यक्ति होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए, ये है शनि पर्वत का स्थान। शनि पर्वत का स्थान थोड़ा सा दबा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके साथ ही शनि की उंगली सीधी है, खड़ी रेखाएं उनके पूरे उंगलियों पर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। देखिए, उंगलियों पर खड़ी रेखा मौजूद होना ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का नेचर बहुत ही साफ है, साफ दिल के व्यक्ति होते हैं। दूसरों का कभी बुरा ये चाहते नहीं हैं। दुश्मन भी ऐसे व्यक्ति के कम होते हैं, उस वजह से बात करने का तरीका ऐसे ठीक होता है। तो ये इनके हाथों से हमें पता चल रहा है। उंगलियों से मित्र रेखाएं ज़्यादा दिखाई दे रही है। शनि थोड़ा दबा हुआ है, लक के मामले में, धन के मामले में व्यक्ति को प्रॉब्लम दिलाता है। और ये देखिए, इनका जो
भाग्य रेखा है वो सीधी जाके इस तरह से फिर बाद में यहाँ पे त्रिशूल बन रहा है, जो एक बहुत ही शुभ निशान है धन के मामले में, मान प्रतिष्ठा सम्मान रिकग्निशन के मामले में। ये त्रिशूल का निशान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए 50 के बाद ये देखिए इनके हाथों में डबल भाग्य रेखा, पैरेलल भाग्य रेखा बन रही है, फेंट बन रही है लेकिन पैरेलल है। तो इस कारण व्यक्ति जीवन में अच्छा खासा धन कमाता है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मार्ग से ऐसे व्यक्ति धन कमा सकते हैं, ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल त्रिशूल बन रहा है, जो एक अच्छा योग माना गया है। यहाँ से भी एक रेखा इनकी तरफ जा रही है, वो भी मतलब धन के मल्टीपल सोर्सेस 50 के बाद इनके हाथों में बनते नज़र आ रहे हैं, जो एक बहुत ज़्यादा शुभ योग इनके हाथों से हमें पता चल रहा है। मिडल फेजेस में देखिए 40-50 के दौरान थोड़ा यहाँ पे देखिए फेंट इनकी भाग्य रेखा बन रही है। पैसों की दिक्कत, कभी कभी ये होता है कि पैसे तो इनकमिंग अच्छी आ जाती है लेकिन संचय ठीक तरह से नहीं हो पाता, अन्य किसी मार्ग से पैसे हाथ से चले जाते हैं और आर्थिक इंस्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सूर्य पर्वत, देखिए सूर्य पर्वत का स्थान है वो ठीक तरह से डेवलप है, दबा हुआ नहीं है, उभरा बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। उस कारण क्या होता है, ऐसे व्यक्ति समाज में फेम मिलती है, किसी कला में ऐसे व्यक्ति को रुचि होती है, व्यक्ति को समाज में नाम फेम रिकग्निशन अच्छी होती है, अच्छे नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे देखिए इनके जो हृदय रेखा के ऊपर यहाँ से त्रिकोण बन रहा है, देखिए यहाँ पे अगर त्रिकोण का साइन हो तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करे तो इनको 100% गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में सूर्य रेखा यहाँ से फेंट नज़र आ रही है थोड़ी, लेकिन सूर्य रेखा का मौजूदगी ही व्यक्ति को जीवन में अच्छा फल देती है। उसके बाद में उनके हाथों में देखिए ये छोटी उंगली अनामिका के फर्स्ट पोर तक नहीं जा रही है। देखिए छोटी उंगली और बुध पर्वत व्यक्ति के बारे में दर्शाता है कि व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि है, मस्तिष्क किस प्रकार से है, बिजनेस माइंड बिजनेस मैनेजमेंट किस तरह से है। तो बुध पर्वत तो इनका अच्छा है, हीलिंग नेचर ऐसे व्यक्ति का है, दूसरों का दुख दर्द समझते हैं ऐसे व्यक्ति, अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, ऐसे एडवाइस लोगों को दे सकते हैं। अंदर की तरफ झुकने वाली बुध रेखा दर्शाती है कि व्यक्ति देखिए इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े महत्वाकांक्षाएँ बहुत बड़े बड़े गोल थे लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इनको ये छोड़ना पड़ा, लेकिन हंसते खेलते जीवन जीते हैं ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। थोड़े लाइट मूड रखते हैं जीवन जीते समय, जो एक अच्छे मैच्योर पर्सन की निशानी है। तो उम्र से ज़्यादा ये मैच्योरिटी इनमें है ऐसे इनके दोस्त भी इनको कहते होंगे, क्योंकि इनकी बात सुनना लोग पसंद करते होंगे। हाथ में धन की कोठरी भी मौजूद है इस तरह से, जो एक बहुत ही शुभ लक्षण है धन के मामले में। जैसे कि हम देख सकते हैं इनके हाथ में 50 के बाद थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी मिलने का योग इनके हाथों से बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए रियल इस्टेट मतलब मंगल क्षेत्र से हमें पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, हेल्थ वाइज स्ट्रांग रहेंगे, अपने जो बचपन में या यूथ स्टेज में थोड़ा हेल्थ में ध्यान देने की वजह से हेल्थ ऐसे व्यक्ति को अच्छी नसीब होगी, अच्छा फिजिक ऐसे व्यक्ति का अच्छा होगा और रियल इस्टेट में भी ऐसे व्यक्ति अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आ सकता है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन अगर कंट्रोल करें तो फिर मैच्योरिटी से वो कम हो जाएगा। लेकिन हृदय रेखा अगर देखिए, हृदय रेखा से देखिए थोड़ा हाइपरटेंशन रिलेटेड इशू और शुगर का इशू इनको जीवन में लाइफस्टाइल रिलेटेड होगा, मेजर इशू उसके वजह से नहीं होगा लेकिन जीवन में रहेगा ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। शनि पर्वत से थोड़ा मनी माइंडेड व्यक्ति लग रहे हैं, जो भी रिलेशन दोस्त बनाएंगे दोनों के भी ग्रोथ के बारे में चिंता करेंगे ऐसे इनके हाथों से हमें पता चल रहा है।
मस्तिष्क रेखा देखिए, लॉजिकल थिंकिंग ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा होती है, डीप थिंकर रहते हैं, विचार अच्छे रहेंगे, बुद्धिमत्ता ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है, तो साफ विचार रहेंगे। लेकिन उसी तरफ देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे चंद्र पर्वत पर क्रॉस के निशान जो व्यक्ति को चिंताएं अधिक डाल देती है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, उनको घूमने का शौक होता है, नेचर लविंग ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन कुछ कारणवश ये सारी चीज़ें जीवन में नहीं आती, मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो इनके माइंड में है और पूरा नहीं हो पा रहा, ऐसी चीज़ें ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा देखी गई है क्रॉस के चिन्ह की वजह से। कभी कभी नींद की भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आती है, सपने भी ऐसे व्यक्ति को आ सकते हैं, डरावने सपने आते हैं, ड्राउनिंग वाले सपने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्रॉस का चिन्ह चंद्र पर्वत पर और रोल डेवलप चंद्र होने की वजह से जीवन में देखा गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये है राहु पर्वत का स्थान। राहु पर्वत देखिए ज़्यादा इनके हाथ में दबा हुआ है, तो उस कारण क्या होता है कि व्यक्ति को शेयर मार्केट में उतनी सफलता ऐसे व्यक्ति को मिल नहीं सकती, प्रॉब्लम है कुछ। यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह भी बन रहा है और इतने बुरे चिन्ह नहीं है, लेकिन थोड़ा दबा हुआ राहु पर्वत व्यक्ति को उतनी ज़्यादा अचानक धनलाभ का योग नहीं बनाता, और शेयर मार्केट से तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे व्यक्ति ने शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों में ऐसे व्यक्ति को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए शुक्र पर्वत का स्थान। शुक्र पर्वत ये दर्शाता है कि व्यक्ति एनर्जी से भरे हुए होंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ऐसे व्यक्ति की तरफ आएंगी, दिलदार ऐसे व्यक्ति होते हैं, अपने पास धन ना हो के भी दूसरों को मदद करने की ऐसे व्यक्ति की चाह होती है। अंगूठे से पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं इजीली, बुद्धिमान है ऐसे व्यक्ति, निर्णय क्षमता ऐसे व्यक्ति की, मतलब महत्वाकांक्षा निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, एडजस्टिव बहुत ही ज़्यादा नेचर है इनका, प्रथम संतान लड़के का होने का चांसेस इनके हाथों में नज़र आ रहे हैं। जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ी है बहुत समय के लिए। ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि इनके जीवन में अपने माता पिता के प्रति प्रेम ज़्यादा रहेगा, अगर उनके साथ भी ना रहो फिर भी अटैचमेंट ज़्यादा रहेगी, आज्ञाकारी रहेंगे ज़्यादा समय के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनके हाथ में आफ्टर द एज ऑफ 60 थोड़ा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में मकान बनाने का भी योग नज़र आ रहा है, लगभग 53 से 55 के बीच में मकान बन जाएगा, ऐसे इनके हाथों से योग बनता नज़र आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।